दिल्ली में कांग्रेस की छानबीन समिति की बैठक है। जी हाँ, बता दें 15 जीआरजी में ये बैठक शुरू हो चुकी है, अनौपचारिक बैठक है और लोकसभा प्रत्याशियों के चयन पर इस बैठक के प्रति चर्चाएं की जा रही है। उम्मीदवारों की पहली सूची पर फिर से मंथन हो रहा है। जयपुर शहर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, जालौर, सिरोही, नागौर, कोटा एक बार फिर मंथन पर है। गुरुवार को भी कांग्रेस की सीएसी की बैठक होगी। राजस्थान के प्रत्याशियों को लेकर सीएसी की बैठक होगी, इसके बाद पहली सूची कांग्रेस की जारी होने की पूरी पूरी उम्मीद है। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद रहे। 15 जीआरजी में अनौपचारिक बैठक शुरू की गई। इस बैठक में एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर चर्चाएं की गई, मंथन किया गया। चूंकि आज मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रभारी तीनों ही दिल्ली में मौजूद थे और इसी के तहत सुबह से खबरें आ रही थी कि आज इसके बाद अनौपचारिक बैठक होगी जिसके माध्यम से पहली लिस्ट पर एक बार फिर से चर्चाएं की जाएगी और इसी के तहत 15 जीआरजी में अनौपचारिक बैठक शुरू हुई जिसमें लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर, लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर राजस्थान की पहली लिस्ट पर चर्चाएं की जा रही है। जालौर, सिरोही, नागौर, कोटा पर एक बार फिर से मंथन हो रहा है। गुरुवार को भी कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी। राजस्थान के प्रत्याशियों को लेकर सीईसी की बैठक होगी और इसके बाद जारी हो सकती है कांग्रेस की पहली सूची। कल सीईसी की बैठक के बाद ये पूरी संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस की पहली सूची जारी हो सकती है। दिल्ली में कांग्रेस की छानबीन समिति की पहली बैठक हो रही है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन।